हाय फ्रेंड्स, मैं रोशनी एंड वेलकम टू माय चैनल बेसिक कुकिंग बाय रोशनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। वैसे ये तो बहुत इजी रेसिपी है, बट अगर ये परफेक्टली ना बने तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आप इसे खा नहीं पाएंगे। तो एकदम परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट और सारे साबूदाने के दाने अलग अलग, इतनी अच्छी खिचड़ी हम कैसे बना सकते हैं। कई बार हमें साबूदाना खिचड़ी बनाते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि साबूदाना प्रॉपरली फूलता नहीं है या बनाने के बाद वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैं आपको वीडियो में बताऊँगी और कुछ टिप्स भी दूंगी जिसे आप फॉलो कर साबूदाना एकदम परफेक्ट बनाते हैं बना सकेंगे। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं और पहली स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है साबूदाने के लिए वो है साबूदाने को भिगाना। तो अगर आपको साबूदाना बनाना है तो आपको 5 से 6 घंटे पहले, अगर आप मोटे वाले साबूदाने यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए तो भिगाना होगा। तो आपको साबूदाने को पहले 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है और जो भी उसका व्हाइटिश पाउडरी जो परफॉर्म उसमें से निकलता है उसे अच्छे से निकाल लेना है, एक्सेस ऑफ स्टार्च। और उसके बाद जिस बर्तन में आपने साबूदाना लिया है साबूदाने के लेवल तक आपको पानी भरकर साबूदाने को सोख करके रख देना है। बाई चांस अगर आप छोटे वाले साबूदाने यूज़ करते हैं तो 2 से 2.5 घंटा सफिशियंट होता है साबूदाने को फूलने के लिए अगर आप छोटे वाले यूज़ करते हैं। और उसके बाद जब आप साबूदाने को बनाएं तो बनाने के 10 से 15 मिनट पहले आप साबूदाने को ऊपर नीचे चला दें और चेक भी कर लें कि साबूदाना प्रॉपरली सोख हुआ है या नहीं। अगर आपको लगता है थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा सा और पानी उसके ऊपर छीप के, मतलब थोड़े कुछ और 2-4 चम्मच पानी डालो तो उसे और थोड़ी देर के लिए भिगा के रख दें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब सेकंड स्टेप में हम लोग मूंगफलियों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो साबूदाने में अक्सर हम लोग रोस्ट करके मूंगफली को डालते हैं, आप चाहें तो इस तरह से रोस्ट करें या फिर आप डायरेक्ट फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो जब मूंगफलियों के ऊपर का छिलका जो है वो क्रैक होने लगे और इसमें से थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आए तो समझ जाइए कि हमारी मूंगफलियाँ जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। बस हम उसे एक प्लेट में खाली कर लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो ये हमारी 2 स्टेप्स यहाँ पे पूरी हुई साबूदाना बनाने की। चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। इस पे रख देंगे हम लोग कढ़ाई और कढ़ाई में हम लोग ऐड करेंगे घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं। अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो आप घी ऐड कर सकते हैं, या नॉर्मली आप ऐसे भी बना रहे हैं तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करने के लिए कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और आलू कट करके रखा है। तो सबसे पहले हम लोग तड़का लगाएंगे और डालेंगे जीरा, और जीरा जैसे ही चटक जाएगा तो हम इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और आलू जो हमने काट के लिया है ना वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे आलू डाल सकते हैं या फिर बॉईल करके भी कई लोग डालते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपको जिसका भी टेस्ट पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब ये हमने जो इसमें आलू ऐड किए हैं जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। साबूदाने में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चाहता है क्योंकि अगर साबूदाने में आप बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो बहुत ऑयली बन जाता है, एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता साबूदाना। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लिमिटेड ऑयल ही यूज़ करें, मतलब जितना ज़रूरी है। तो जैसे ही आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे 4-5 मिनट के बाद तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब टमाटर को भी हम 3 से 4 मिनट तक कवर करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अब मैं इसमें साबूदाना ऐड कर रही हूँ। तो साबूदाना ऐड करने के पहले मैंने इसे साबूदाने को अच्छे से चला लिया था हाथों से, और सारे जो साबूदाने के दाने हैं आप देख सकते हैं एकदम अलग अलग हो गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे हम सब साबूदाने को भिगाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं वो सोख होने के बाद में, तो जब भी आप उसे कढ़ाई में ऐड करें तो कोशिश करें कि साबूदाने को हाथों से अच्छे से मसल कर पूरे दाने अलग अलग कर लें, और उसके बाद ही हमने जो आलू और टमाटर का मसाला प्रिपेयर किया है इसमें ऐड करें। बस मिक्स कर देंगे हम लोग साबूदाने को अच्छे से, और उसके बाद हम लोग इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। हम लोगों ने वैसे थोड़ा सॉल्ट आलू को कुक करने के लिए ऐड किया था तो अभी हम इसमें थोड़ा और सॉल्ट साबूदाने की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर देंगे। उसके बाद कवर कर हम 3 से 4 मिनट तक साबूदाने को प्रॉपरली कुक करेंगे। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, मैं इसमें भी सॉल्ट ऐड कर रही हूँ उसके क्वांटिटी के हिसाब से। और साबूदाने को कवर करके पकाने से क्या होता है कि साबूदाने एकदम प्रॉपरली कुक होते हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट से आपको दिखाई देंगे और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि साबूदाना भिगाते वक्त आपको साबूदाने का जो लेवल है बर्तन में उतने लेवल तक पानी ऐड करना है। साबूदाना बनाने के 10 मिनट पहले आपको चेक कर लेना है कि साबूदाने प्रॉपरली दब रहे हैं, सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। बाई चांस अगर थोड़े हार्ड हैं तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए उसमें और उसे भिगा के और रख दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए साबूदाने को, तो साबूदाने आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये जो मैंने मूंगफलियाँ पहले रोस्ट करके रखी थी उसे मैंने इसमें क्रश करके ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम लोग इसे कवर कर अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एकदम खिली खिली सॉफ्ट सी साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम लोग इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसमें हम लोग थोड़ा नींबू भी निचोड़ देंगे। तो साबूदाना बहुत हेल्दी होता है, और अगर आप उपवास में स्पेशली से बनाते हैं तो अगर आप 1 प्लेट साबूदाना खा लें तो आपको बिल्कुल देर तक भूख नहीं लगती है। और यहाँ पे आज मैंने ये बारीक वाले साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। बारीक वाले साबूदाने भिगाने में
आपको सिर्फ 2 से 2.5 घंटा ही टाइम लगता है। तो अगर बाई चांस आपको जल्दी है, आप मोटे वाले साबुदाना भिगाना भूल गए हैं, तो आप फटाफट से ये बारीक वाले साबुदाने बना के तैयार कर सकते हैं। दोनों ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं और दोनों को बनाने का तरीका एकदम सेम होता है, बट टाइमिंग भिगाने का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें नींबू निचोड़ दिया है और हमारा ये साबुदाना खिचड़ी बनके तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।